समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से, स्वयं तू संभल ले ऐसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का करने समस्या का समाधान। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कार्यक्रम में। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि किसी देश पर विजय प्राप्त करनी हो तो उस देश पे आपको हथियारों से आक्रमण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप केवल इतना कीजिए कि उस देश के लोगों को नशे का आदि बना दीजिए। यदि वो सब नशेड़ी बन जाएंगे तो आपको किसी हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस राष्ट्र को सहज रूप से जीता जा सकता है। क्योंकि जब आप युद्ध करेंगे तो उनमें इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो आपका सामना कर सके। कितनी गहरी सी बात है मित्रों, और ये इस बात को हमें बताती है कि नशा कितना नुकसानदायक हो सकता है, व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं लेकिन समाज के लिए भी और समूचे राष्ट्र के लिए भी। इसीलिए इस पर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है, और आज इसी पे विचार करने के लिए और अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन परब जी, जो इस क्षेत्र में बहुत ही दिल से कार्य कर रहे हैं, और इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको महात्मा गांधी व्यसन मुक्ति पुरस्कार से भी नवाजा है। आपको आदर्श डॉक्टर के खिताब से भी नवाजा गया है, क्योंकि ब्रह्मकुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर आप इस क्षेत्र में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं। आई डॉक्टर साहब का अभिनंदन करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। अभिनंदन है। इससे पूर्व डॉक्टर साहब की मैं इस विषय पे आऊं, पहले तो आपकी शुरुआत जानना चाहूंगा कि एक डॉक्टर होते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शरीर विश्वविद्यालय, जो कि एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, यहाँ जुड़ना कैसे हुआ? कोई विचार नहीं था जुड़ने का। हम लौकिक में वैसे कोंकण से है और बचपन से ही नॉनवेज वगैरह खाते आए हैं और अगर पहले से पता होता कि यहाँ पर जाने के बाद ये सब छोड़ना पड़ता है, कभी नहीं जाते। ऐसी हालत थी कि जिस दिन में नॉनवेज नहीं होता था उस दिन खाना बहुत मुश्किल जाता था तो ऐसी अवस्था थी। और बचपन एक ऐसे इलाके में गया है जिसको हम झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, स्लम में बड़े हुए हैं तो बचपन से ही राइट्स देखे हैं, मारामारी देखी है, शराब पीने वाले लोग देखे हैं, तो इतना कुछ खास नहीं माहौल था बचपन में। लेकिन जब MBBS पूरा किया तो हमारे जो सर्जरी सिखाने वाले सर थे डॉक्टर आनंदन जी, उन्होंने मेरे को ब्रह्मा कुमारी के बारे में बताया। अभी मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं था, सच बताओ, क्योंकि भक्ति नहीं है इस जन्म में। पर अभी बॉस है, उनका सिग्नेचर की जरूरत होती है इसलिए सुन रहा था चुपचाप। और वो मुझे बताते थे अभी ये पढ़ा लिखा है तो साइंटिफिक बताते थे, कोशिश कर रहे थे, और मैं अंदर से बोल रहा था कि ये मुझे क्यों बुड्ढा बोर कर रहा है लेकिन बॉस था इसलिए चुपचाप सुनते थे। वो बोला करते थे क्या बाकी लोगों को? नहीं, मेरे को ही बोला करते थे वो, क्यों पता नहीं। मेरे साथ और 4-5 इंटर्न्स थे, हमारा MBBS पूरा होने के बाद 1 साल इंटर्नशिप होता है, उनके पास थे, पास थे, सर्जरी सीख रहे थे, 1 महीने का पोस्टिंग। मैंने कहा 1 महीना तो निकालना है, बाद में ये गए अपने घर, हम अपने घर
लेकिन वो बार बार पूछते थे कि आप जाओगे क्या, इनका शिविर है, तो मैं हर बार कोई ना कोई बहाना देता था कि आज ये हो गया, कल वो हो गया। फिर एक दिन अभी बहाना क्या ढूंढे, बहाने भी खत्म होते जा रहे थे, पर ही वॉज वेरी परसिस्टेंट। वो बार बार मुझे कह रहे थे कि आप कोशिश करो। मैंने कहा क्या करना है ब्रह्मा कुमारी से, अपने को कुछ लेना देना नहीं है, सुना है वो हिल स्टेशन है, घूम के आ जाएंगे। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं घूमने के लिए आया माउंट आबू। मुझे आज भी वो दिन याद है, 23 साल पहले की बात है। पांडव भवन जो ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे कदम रखा, सिर्फ कदम रखा, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड। माना मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। वहाँ पे कृष्ण का तस्वीर देखा और मैं देखते रह गया, क्योंकि पहले भी बहुत बार देखा था कृष्ण को, लेकिन इस कृष्ण में कुछ तो बात थी कि वो कृष्ण मेरे से बात कर रहा था कि तुम यहाँ बहुत बार आए हो। मैंने कहा मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, पर ऐसे एक फीलिंग आई कि मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ। इसको साइकोलॉजी में, पैरासाइकोलॉजी में देजा वो फिनोमेना बोलते हैं। देजा वो मैना फिनोमेना ऑफ फैमिलियरिटी, आप यहाँ पर बहुत बार आए। फिर आगे चल के देखा तो सब याद आ रहा है कि इस यहाँ ये है, उधर वो बिल्डिंग है, उधर वो बिल्डिंग है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब याद आने लगा कि यहाँ ये है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, कोई तो मुझे खींच रहा था। मैंने ज्ञान, टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ नहीं सुना। सुबह उठना अच्छा लगता था पर नींद पूरी नहीं होती थी, 3:30 बजे उठा के रख देते थे। उठ जाता था, तैयार भी होता था, लेकिन कोर्स जो होता था उधर जाके सो जाता था मैं। जी, जी, जी। लेकिन ऐसे अंदर से 2 दिन में फीलिंग आई कि मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है। और पहला मेरा ऐसा विचार था कि अमेरिका जाके सेटल होना है, पीजी करके, एमडी करके। लेकिन वो 2 दिन के अंदर मैंने डिसीजन लिया कि जीना तो इसी के लिए जीना है। मतलब ये मेरी शक्ति नहीं है। और घर पे आते ही माता जी को बोला कि आज से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा और प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे। तो यहाँ शिविर में आपको बताया गया होगा कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए। हाँ, अगर आपको इस मार्ग में उन्नति करनी है तो जी, जी, जी। तो मैंने सोचा हमको ये सीखना चाहिए, कुछ तो है इसमें। तो जब मैंने ये कहा तो घर में सब हंसने लगे जोर जोर से, और मुझे ऐसे दिखा दिखा के खाते थे। माता जी को पता था कि ये ज्यादा दिन रह नहीं पाएगा, इसका नाटक या नखरा जो भी है 7 दिन में ठीक हो जाएगा ये। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये पक्का होते जा रहा है। सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाता है, पता नहीं क्या करता है, कभी इतना जल्दी उठता नहीं था। तब उनको डर लगने लगा, जो एक लौकिक में किसी भी माँ को लग सकता है कि इस बेटे को इतना पढ़ाया, MBBS किया, और अभी ये कुछ ध्यान वगैरह कर रहा है। जी, क्योंकि हमारे घराने में कोई किसी ने ऐसा नहीं किया था और ना ही नॉनवेज छोड़ा था। यस, और नॉनवेज छोड़ा था, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो धीरे धीरे उनको डर लगने लगा जी कि ये हमारे हाथ से चला जाएगा, ये सन्यासी बन जाएगा। तो उन्होंने अपोज करना शुरुआत किया, जो कि बहुत नेचुरल है मेरे हिसाब से। तो उन्होंने बहनों को तकलीफ देना चालू किया, गालियां देना चालू किया। फिर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो हमारी माता जी लीडर थी एक पार्टी के, तो उन्होंने मिनिस्टर के द्वारा प्रेशर लाने की कोशिश की कि आप इनको ये बताओ कि ये लड़के को नहीं लेना है सेंटर पे। जी, जी। मिनिस्टर ने भी समझाने की कोशिश की हमारी बहनों को, देखो आप सेवा अच्छी कर रहे हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, सिर्फ इस लड़के को मत लेना। और बहने कहती है लड़का बहुत जिद्दी है, हमारा भी कहना नहीं मानता। जो मैं था, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया जी। और यहाँ से तो आप अनुभव करके गए, yes, ये अच्छी चीजें थी, yes, उसको तो आपको आगे लेके जा रहा था। पर कुछ पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, पर कोई तो शक्ति मुझे खींच रही थी, ये मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा था। आपको ऐसा मेडिटेशन में फील होता था या नेचुरली चलते फिरते ही आपको फील होता था? नहीं, मेडिटेशन में मेरे को, टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अंदर से कुछ तो ऐसा खींच रहा था कि मेरे को इसी के लिए जीना है, पर क्या करना है कुछ क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि नॉलेज तो सुना नहीं था ना, कोई खींच रहा था मुझे। और फिर सबसे पहला दिव्य अनुभव हुआ, वो भी ब्लेसिंग के रूप में, जिसको हम ग्रेस कह सकते हैं। मेरा नाइट ड्यूटी था हॉस्पिटल में, एक डेड बॉडी को पहुंचा के मैं उनको, घर वालों को छोड़ के एम्बुलेंस से, रात को 1:30 बजे थे। अभी मैंने कहा 1:30 बजे घर पे कहाँ जाओ। तो हमारा जहाँ हम रहते हैं मुंबई विक्रोली में गार्डन है, तो मैंने कहा बाबा के कमरे में जाके बैठते, अर्ली मॉर्निंग है, अच्छा योग करेंगे। तो मैं 2 बजे के करीब कमरे में गया, और मुझे मेडिटेशन क्या करना है कुछ पता नहीं था, क्योंकि हम चिंतन करते वैसे कुछ नहीं, सिर्फ मैं बाबा के सामने जैसे ही बैठा और मैं कहाँ चला गया।
जैसे किसी ने मुझे खींच लिया। आज भी उस अनुभव को मैं याद करता हूँ, मुझे आज तक वैसा अनुभव नहीं हुआ। उस समय अनुभव ये था कि शरीर है या नहीं है ये पता नहीं चल रहा था, जिसको वेटलेस फीलिंग कहते हैं, बिल्कुल शरीर है नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा था, और एकदम आनंद की अनुभूति हो रही थी जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जी जी। और ये अनुभव रहा, और उस दिन पता नहीं क्या हो गया, मैं 2 बजे से पूरा दिन सो नहीं पाया, क्योंकि इतना एनर्जी आ गई थी, क्या हो रहा था, खुशी 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 खुशी। तो ऐसी अवस्था में कितनी देर तक आप बैठे रहे? मैं ज्यादा समय तक नहीं बैठा। क्या हुआ बताता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको पता चला कोई तो घुस गया है। तो वो आया और उसने जैसे ही दरवाजा खोला जोर से मैं नीचे आ गया। बट वो अनुभव भले कुछ मिनटों का ही था, लेकिन वो अनुभव इतना पावरफुल था कि आज भी मैं जब याद करता हूँ मेरे शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस दिन मैं सोया नहीं बिल्कुल, मैंने एक एक्सटेसी जैसे अनुभव कहते हैं, ये परमानंद की अनुभूति आध्यात्म इसी को कहा जाता है। यस, हो सकता है, पर इट वाज अ ग्रेस, देयर वाज नो एफर्ट फ्रॉम माय साइड, मेरे तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई थी, परमात्मा की देन आपको लगी। हाँ, और आज मुझे उसका वैल्यू पता चलता है कि परमात्मा ने क्यों खींचा, क्योंकि उसके बाद जो समस्या आप कह रहे हैं, ऐसी समस्या आने लगी कि घर वालों ने देखा कि यह अभी सुन नहीं रहा है, बहुत कोशिश किया उन्होंने, तो किसी ने हमारे माता जी को कहा कि ये कुछ तो बाहर का लगता है, है ना, हमारे इधर ये मान्यता है कि जब सब कुछ करके नहीं होता है इसका मतलब कुछ तो कुछ हवा है। हाँ, हवा लग गई या जादू टोना है। अभी देखो कैसा था कि मुझे पता था कि मेरे को पुरुषार्थ करना है, और घर पे पुरुषार्थ नहीं हो रहा था क्योंकि वायुमंडल सपोर्टिव नहीं था। तो मैं युक्ति से मुंबई से गुजरात चला गया, जहाँ हमारे अंकल है प्रैक्टिस करते, तो मैं प्रैक्टिस के लिए गया। तो मुझे इन्होंने घर पे बोला कि घर में पूजा है तुम आ जाओ। तो मैंने कहा होगी कोई पूजा, सत्यनारायण की पूजा करते हैं हमारे में। घर पे आया तो देखा बहुत बड़ा मंडप लगा हुआ है, मैंने डेकोरेशन किया हुआ है, लाउड स्पीकर लगा है, रिश्तेदार आए हैं, भोजन बन रहा है। मैंने कहा होगी बहुत बड़ी पूजा है, चलो अपने को क्या लेना देना है, क्योंकि हम तो उसमें इंटरेस्ट नहीं था, पहले से ही नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला मेरी ही पूजा है। तो मेरी शांति करने के लिए माता जी ने 4 पंडित को बुलाया था और यज्ञ बनाया था। वो यज्ञ में तिल जो समीधा वगैरह सब डालते हैं। मुझे गुस्सा आया क्योंकि मुझे बिना बिताए कर रहे थे, लेकिन माँ बाप की इज्जत का सवाल था और इतना खर्चा किया था, इसलिए मुझे बैठना पड़ा। जब मैं बैठा, कैसे पता चला कि ये खास मेरे लिए आयोजित किया गया है और मेरे अंदर भूत आ गया है या कोई हवा है उसके कारण ये खास आयोजित? उन्होंने बताया ना। अच्छा, उन्होंने खास बताया आपको? आपके लिए है सब, तभी तो मुझे पता चला ना, नहीं तो मुझे क्या तकलीफ थी? मुझे कोई तकलीफ नहीं थी ना, आई वॉज डूइंग वेल, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, दवाखाना खोला था सूरत में। तो घर पे आया तो देखा अभी क्या कर सकते, आ तो गए चलो बैठते हैं, पर आई वॉज रिलक्टेंट, मैं खुश नहीं था टू बी वेरी फ्रैंक। पर जब मैं बैठा तो मेरे सामने वो 4 ब्राह्मण बैठे थे जो यज्ञ करने वाले हैं। तो उसका जो मुख्य ब्राह्मण था उसको मैंने पूछा कि ये सब क्यों करना चाहिए, तो उसने देखा ये डॉक्टर है, MBBS है, तो थोड़ा साइंटिफिक जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो ग्रह होते हैं वो ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है, तो हमारे डिसीजन के ऊपर, हमारे निर्णय शक्ति के ऊपर उसका असर आता है, तो वो ग्रहों को शांत करने के लिए ही यज्ञ है, ग्रह शांति यज्ञ है। जी, मैंने उनको पूछा ग्रह जड़ है या चैतन्य है, तो उन्होंने कहा ग्रह जड़ है। दूसरा सवाल, आत्मा जड़ है या चैतन्य, उन्होंने कहा आत्मा तो चैतन्य है। फिर मैंने कहा जड़ का चैतन्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा या चैतन्य का जड़ के ऊपर पड़ेगा? अभी वो पकड़ा गया, सब लोग सुन रहे हैं। अगर वो कहता है जड़ का चैतन्य के ऊपर पड़ता है तो गलत हो जाता है, अगर चैतन्य का जड़ के ऊपर पड़ता है तो यज्ञ की जरूरत नहीं है। मैंने कहा शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, परमात्मा को संकल्प आया, तो मेरे संकल्प से ग्रह चलते, ना कि ग्रह का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो माता जी ने सुना, हर माँ को अपना बच्चा कितना भी बड़ा छोटा ही लगता है, उसको लगा कि इसमें अहंकार बहुत है, बोले तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है, चुपचाप बैठ, उनको जो करना है करने दे। फिर से चुप हो गया, सरेंडर। फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि मैंने कभी भक्ति नहीं की थी, तो मैंने देखा वो यज्ञ में चारों तरफ ना आटे के गोले रखे थे, क्या करने वाले थे मुझे पता नहीं, पर उनकी तैयारी जोर शोर से थी और वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे।
और अग्नि प्रज्वलित करके उसमें वो समीधा बोलते हैं उसको, वो डालते थे, हाँ तिल जो समीधा डालते, वो 2-2.5 घंटे तक बहुत खेल चला और मैं इच्छा के विरुद्ध चल रहा था मुझे, और वो मुझे मंत्र का पानी देते थे पीने के लिए जिसको आचमन बोलते हैं। मैं भी नया था ब्रह्मा कुमारी में, मुझे नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि ब्रह्मा कुमारी में कोई भी चीज लेते हैं दृष्टि देके लेते हैं, तो वो जब आचमन देते थे तो मैं दृष्टि देता था और फिर पी जाता था। तो 2.5 घंटे में मैं डिस्टर्ब हो गया, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि सब मेरी इच्छा के विरुद्ध होता था। और मैंने कहा चलो हमने कर लिया माँ बाप की इज्जत का, पर मेरे को इधर अभी रुकना नहीं, आई हैव टू गो। स्टेशन गया मैं जी, और स्टेशन जाने के बाद मुझे विचार आया कि बच्चे वो आत्माएं तुम्हारे पास आए उनको खाली हाथ मत भेजना। मुझे लगा मेरे ऊपर असर चालू हो गया ये विचार का क्या कनेक्शन है, फिर से वो विचार आया बच्चे वो आत्माएं तुम्हारे पास आए उनको खाली हाथ मत भेजना। मैं सोच रहा मैं क्या कर सकता, मैं तो नया हूँ, मुझे अभी तक कुछ पता भी नहीं है ज्ञान क्या है योग क्या है। फिर से विचार आया बच्चे वो आत्माएं तुम्हारे पास आए उनको खाली हाथ मत भेजना, मेरे से रहा नहीं गया, मैं वापिस आया घर पे। तो घर पे आया तो क्या देखा, ये सब जो 4 ब्राह्मण थे पंडित मेरी शांति करने के लिए आए, वो टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं, उनके लिए टैक्सी बुलाया था, पता नहीं कहाँ से शक्ति आई, मैं उनके पास गया, मैंने कहा देखो भैया मैंने आपका कहना माना, मैं यज्ञ में बैठ गया, अभी आप मेरा कहना मानो, आप मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर चलो। तो माता जी ने सुना, उनको और गुस्सा, हाँ इनको भी लेके जाओ ब्रह्मा कुमारी के पास। अभी वो जो ब्राह्मण था वो सात्विक था, क्योंकि वो 30 साल से यज्ञ कर रहा था, बहुत सीनियर था, उसने देखा इस लड़के में कुछ तो बात है, एंड ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। उसने कहा मैं देखना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारी क्या है, मैंने कहा चलो। उनको ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर लेके गए। अभी हुआ ऐसे कि वो 4 ब्राह्मण थे, उनको जल्दी था, तो ये मेन जो था थोड़ा मोटा था, उसने कहा मैं देखना चाहता, तो उनको मैं बाबा के कमरे में लेके गया मेडिटेशन रूम में, और बाबा का ऐसे किरणों वाला चित्र था, मैंने कहा 2 मिनट बाबा के सामने बैठे अपना काम हो गया, मैंने कहा ये जो बिंदी है ये परमात्मा है और परमात्मा से शक्ति मिलती है, और मैं बाहर खड़ा हो गया, मुझे लगा ये उठेगा 2 मिनट में। वो ब्राह्मण पंडित वहां से हिलने को तैयार नहीं, अच्छा। 5 मिनट हो गया और बाहर से हॉर्न बज रहे टैक्सी के, मैंने जाके हिलाया, मैंने कहा भाई साहब हॉर्न बज रहे आपको चलना नहीं है क्या। वो मेरे तरफ ऐसे देख के कहता है क्या मैं और नहीं बैठ सकता, मैंने कहा बैठो तुम्हारा ही घर है। लंबे समय तक बैठ के हंसते हुए बाहर आया, हाथ जोड़ा, बोला डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा क्या हो गया, मुझे कहा उस पंडित ने कि मुझे 2 साल से एक बात का बहुत टेंशन था, पर इधर आने के बाद मेरा 2 साल का टेंशन 2 मिनट में खत्म हो गया। तो जो मेरी शांति करने आया था उनकी शांति हो गई, परमात्मा ने उनको नहीं उसका भी कर्मों का रिटर्न दिया परमात्मा ने, क्योंकि सात्विक है उसको शांति की जरूरत थी, और उसको लिटरेचर दिया हमने ब्रह्मा कुमारी का। और जाते समय मुझे वो कह रहा है डॉक्टर साहब आप सही रास्ते पर हो, इसको छोड़ो मत, इसको कंटिन्यू करो। और जो माता जी इतना गाली देती थी अपोज करती थी, आज रोज बाबा को याद करती है। चलिए ये तो सुंदर सा अनुभव है आपका जो सचमुच बहुत ही प्रेरित करता है। इसको आपने इस जो यज्ञ हुआ इससे पहले की जो स्थितियाँ थी एक डॉक्टर के रूप में, क्योंकि आप मेडिकल स्टडी कर रहे थे, उसको आपने किस रूप में लिया, क्योंकि कई बार साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो जो आपकी एक अट्रैक्शन वाली जो बात थी या लगा कि नहीं सत्य यही है, तो उसे मेडिकली आपने किस रूप में लिया। टू बी वेरी फ्रैंक मैं फिर से कहता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था भक्ति मार्ग के बारे में ना यज्ञ के बारे में। जी, इतना पता है कि भक्ति मार्ग में यज्ञ करते हैं, आज यस स्टडी किया है, पर उस समय पता नहीं था। उस समय कुछ भी पता नहीं था, उस समय मैं आपको बता, हाँ कुछ तो आकर्षण था। इतना जरूर पता है कि देखो मेरे उस समय के लेवल में बताता हूँ कि भगवान को परमात्मा कहते ये भी मुझे पता नहीं था, आने आप समझ सकते मेरी क्या स्टेज होगी। पर आज भगवद गीता के ऊपर 7 डेज कोर्स लेते हैं, 300 श्लोक 62 है, ये मेरी पावर है ही नहीं, तो इतना स्पष्ट पता चलता है कि कोई तो आपको यूज कर रहा है जी, जी और जी। कोई शक्ति थी जो मुझे खींच रही थी। अभी आप यहाँ खड़े होकर के जब उस स्थिति को देखते हैं तो क्या लगता है कि क्या
सचमुच परमात्मा ने मुझे ये सब ज्ञान दिया, परमात्मा ने मुझे खींचा और ये उन्हीं का आशीष था कि मैं इस मार्ग पे आगे बढ़ा। ये कहना बहुत मुश्किल है, देखो साइंटिफिकली कहना बहुत मुश्किल है, पर जरूर है कि एक शक्ति थी जो करवा रही थी मेरे से। क्योंकि एक तो मुझे सवाल नहीं पता कि आत्मा परमात्मा या जड़ और चैतन्य, ये शब्द मेरे वोकैबुलरी में है ही नहीं। माना मेरे शब्दकोश में जड़ और चैतन्य शब्द नहीं है। बच्चे वो आत्मा है तुम्हारे पास खाली हाथ नहीं जाना, ये भी मेरा शब्द नहीं है, है ना। मेरा कुछ शब्द नहीं, कोई तो कंट्रोल कर रहा था, है ना। इट वॉज फ्लोइंग। और मैं जब इसको अभी साक्षी होके देखता हूँ, इट इज अ पार्ट, हम ड्रामा में कहते हैं इट इज डेस्टाइन टू हैपन, है ना, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं। पर इट वॉज, आई वॉज जस्ट फ्लोइंग विद दैट, मैं उसके साथ बह रहा था, कोई मुझे खींच के लेके जा रहा था। उस समय इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बुद्धि के स्तर पर मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसे मेरे को फीलिंग नहीं थी। आज भी जब हम सेवा के लिए जाते हैं, आपने जो कहा ना इतने सारे अवार्ड वगैरह मिले, ये स्पष्ट अनुभव है कि हम नहीं कुछ कर रहे, कोई तो आपके द्वारा करवा रहा है, ये स्पष्ट अनुभव है। और इसमें मैं कोई नम्रता का भाव वगैरह नहीं ला रहा हूँ, ऐसा एक दिव्य अनुभव है। पर मेरा घड़ी की तरफ ध्यान है, अगर टाइम करंट करता हूँ तो मैं बताऊँगा कि वो अनुभव ये था। 2000 साल की बात है, मैंने आज से 18 साल पहले रैली था, ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको, और हम दिल्ली से कलकत्ता की तरफ जा रहे थे, दिल्ली यूपी बिहार कलकत्ता। हमारे ग्रुप में वरिष्ठ ब्रह्मा कुमार डॉक्टर गिरीश पटेल थे और उनके पीछे हम थे। अभी तंबाकू के ऊपर बोलना था, हम लखनऊ पहुँचे तो लखनऊ पहुँचने के बाद डॉक्टर गिरीश पटेल बीमार पड़ गए। तो बहन जी ने मुझे कहा आज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, गिरीश पटेल बीमार है, आपको जाना है। मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, पर उधर जाके मेरे को पता चला कि मुझे अंग्रेजी में बोलना है। और टू बी वेरी फ्रैंक कि मुझे उस समय अंग्रेजी मेरा फ्लुएंट नहीं था। दूसरा मेरे लिए टेंशन का कारण था कि डॉक्टर्स के सामने बोलना है, क्योंकि डॉक्टर्स को सब कुछ पता है, उनको क्या सुनाने का, और अंग्रेजी में, ये दो बातों का मुझे टेंशन आया। और तीसरा टेंशन इसलिए आया कि वहां की जो बहन थी स्मिता बहन, उन्होंने मुझे कहा सचिन भाई आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और टेंशन आ गया, अभी करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डर गया था टू बी। मैं फिर उस दिन मुझे ना वो पोडियम का फायदा पता चला, वो जो डायस होता है ना जी, जी। जिसके ऊपर इतना दिखाई देता है, उस दिन मुझे पता चला कि वो क्यों रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि इसके नीचे मैं कांप रहा था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। और मुंह सूख गया था। भगवत गीता के पहले अध्याय में एक श्लोक आता है, सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। मैं ना, मेरा गात्र कांप रहा है और मुंह सूख गया, मेरी वो अवस्था थी। और मुझे पता था अभी डिजास्टर होने वाला है, माना क्या होने वाला है पता नहीं, पर सामने सीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं, बहुत बड़ा हॉल है और सभी देख रहे हैं अभी ये रैली वाले डॉक्टर क्या बोलने वाले हैं। और मैं तो, मेरी हालत दिखाई दे रही थी। पर हर बार मैं एक अभ्यास करता हूँ जो उस समय भी किया, कि परमात्मा ये शरीर आपका है, आत्मा आपकी है, सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं, सेवा आपकी है, करना आपको है, ये पांच बातें मैं रोज अभ्यास करता हूँ। उस समय भी किया और मैंने बोलना चालू किया, दो मिनट के बाद, दो तीन मिनट के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, बिना रुके हुए बोल रहा हूँ, और सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, पावर जा रही है। और एक पांच मिनट के बाद अनुभव हुआ कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। तो मैं सोचने लगा ये क्या हो रहा है, मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूँ, मेरा शरीर बोल रहा है और मैं देख रहा हूँ। दैट वॉज द एक्सपीरियंस। और सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, नए नए शब्द आ रहे हैं, और वो पावर के साथ, मैं ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ऐसी वेव्स जा रही है, वेव्स जा रही है। सो आई वॉज शॉक्ड। और वो 30-40 मिनट का होगा स्पीच, उसके बाद इतना पावरफुल, लोग खुश हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां मिली। और वो बहन जी जो थी स्मिता बहन, वो मुझे आके कहने लगी, सचिन भाई मैं बहुत सारे लेक्चर सुने लेकिन आज का लेक्चर नहीं सुना। मैंने दीदी को साइड में लिया, कहा बहन जी मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी पहली बार ही सुना। तो ये स्पष्ट अनुभव था कि मेरे अंदर योग्यता नहीं थी, मैं डरा हुआ था, कोई आया उसने यूज किया चला गया। ये परमात्मा शिव बाबा ने हमको हमेशा बताया कि बच्चों में जब योग्यता नहीं है और सेवा होनी है तो परमात्मा आके अपना काम करके चला जाता है। ये उस दिन का अनुभव और आज का, ये 18 साल पहले की बात है, आज मैं उसी को फील करता हूँ कि कई बार हमारे अंदर योग्यता नहीं, हम लोग खुश तैयार नहीं होते, पर आउट ऑफ ब्लू समथिंग हैपेंस।
तो ये स्पष्ट हमको बताता है कि परमात्मा अपने बच्चों के द्वारा सेवा करे। तो बीइंग अ डॉक्टर मेरी बुद्धि उस समय काम करने लगी कि मैं इतना सेवा करता हूँ, उस समय क्यों नहीं, उसी समय क्यों मदद मिले, है ना, ये मैं सोचने लगा जी। बाद में मुझे उसका राज पता चला कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर खुलना था जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स रेगुलर स्टूडेंट बनने थे। वाव, क्या बात। तो माना ये कहने का मेरा भाव ये है कि मैं ये अनुभव करता हूँ कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, पर जब हम मन और बुद्धि से परमात्मा को पूरा सौंप देते हैं ना, तब वो टेक ओवर कर लेता है। जी 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 जी। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान।